मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग मेष वालों के लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति का लाभ होता दिख रहा है, हालांकि व्यस्तता इस समय आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। घर में आपके खुशियां आएंगी, आनंद और मंगल रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखेंगे, वाद विवाद से बचाव करेंगे। धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसे के खर्चे इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान आप कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कर्क राशि, छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। इस समय छोटी यात्रा आपकी हो सकती है, संभावना बनती है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर एक लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि सेहत की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। धन हानि से बचिए, पैसे का नुकसान ना हो इसका ध्यान रखिए, और वाहन सावधानी से चलाइएगा, बेवजह चोट की चपेट में आ सकते हैं। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से चावल का आप दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में शुभ और मंगल कार्य इस समय हो सकते हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। प्रियजनों से आपकी भेंट मुलाकात होगी और रिश्तों की जो समस्या है वो समस्या दूर होगी। क्या उपाय करेंगे? खाने पीने की चीज का दान कर दें किसी गरीब आदमी को तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी इस समय हल होंगी। प्रॉपर्टी का आपको फायदा होगा। अगर आप कोशिश करके देखें तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। परिवार में विवादों से बचने की जरूरत है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से चावल का आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा और मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। मीन राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। प्रेम संबंधों की शुरुआत इस समय आपके जीवन में हो सकती है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।